सरदार शहर अर्जुन क्लब तीन मूर्ति प्याओ के सामने सागर रेफ्रिजरेशन में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, सरदार शहर में आज अर्जुन क्लब के पास उस वक्त अफरा तफरी मची जब अचानक सागर रेफ्रिजरेशन में एक ज़ोरदार धमाके की जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर और एसी रिपेयरिंग की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लग गई। आसपास के दुकानदारों मोहल्लेवासियों का बड़ा हुजूम दुकान के पास इकट्ठा हो गया। फायर ब्रिगेड सरदारसर DYSP अनिल माहेश्वरी पुलिस के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और करीब आधा घंटा बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक दुकान में रखे दर्जन भर एसी फ्रिज और लाखों रुपए का मेटल जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि अंदर के आधा दर्जन छोटे सिलेंडर थे, उनमें अगर आग पकड़ लेती तो आसपास के क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस और फायर की टीम और सरदार शहर के जागरूक नागरिकों द्वारा बड़े प्रयास किए गए, लेकिन दुकान में रखा सामान नहीं बचाया जा सका। मिली जानकारी के अनुसार दुकान बंद थी। कुछ समय पहले दुकान मंगल करके वह घर की तरफ गए थे। आप सभी से निवेदन है, गर्मी का समय है, आग की घटनाएं बढ़ रही है, सावधान रहें, सचेत रहें। रुस्तम खान, AK24, आपका खबरी। सिलेंडर की दुकान थी, CFC जो फ्रियोन गैस की लीकेज की वजह से LPG गैस ने आग पकड़ ली है। तुरंत दमकल टीम को बुलाया गया है और आग पे फिलहाल जो है वो काबू पा लिया गया है। बाकी जो सामान है, रो मटेरियल, वो निकाला जा रहा है। क्या कारण है सर आग? इसका मेन कारण रेफ्रिजरेटर में जो फ्रियोन गैस है उसमें लीकेज की वजह से वो आग LPG ने पकड़ ली है, उसकी वजह से जो है आग रही है। पर आग की घटनाएं लगातार है, सदाशहर में बड़ी घटनाएं देखने को मिली है, क्या कुछ आगे नए प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए जो ओनर है LPG, जो इस तरह के शॉर्ट सर्किट पहले भी एक घटना हुई है, तो इस प्रकार के जो ओनर है उनको सख्त हिदायत दी गई है कि वो फायर दमकल की व्यवस्था करे और अपने उस लोकेशन के अंदर भी जो है आग बुझाने का संयंत्र जो है वो रखे, अग्निशामक यंत्र है वो वहाँ रखे।